नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्पीफोर्ट कैप्सूल के बारे में। एम्पीफोर्ट एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो उन महिलाओं के लिए काफी उपयोगी होती है जिनके पीरियड्स किसी वजह से काफी दिनों से रुके हुए हैं या ड्यू डेट के बाद भी नहीं आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एम्पीफोर्ट के बारे में। एम्पीफोर्ट लूना फार्मा द्वारा बनाई गई एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो आपको पीरियड्स आने में काफी हेल्प करती है। एम्पीफोर्ट एक 12 कैप्सूल के पैकिंग में आती है जिसका प्राइस है ₹135। अभी मैं आपको बताता हूँ एम्पीफोर्ट का सेवन कैसे करना है। वो महिलाएं जिनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं या ड्यू डेट के बाद भी नहीं आया, वो एम्पीफोर्ट कैप्सूल को ले सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है तो काफी सेफ होती है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। एम्पीफोर्ट कैप्सूल को दिन में 2 बार 3 दिन तक लेना होता है, मतलब आपको टोटल 12 कैप्सूल लेना है और इसी हिसाब से एम्पीफोर्ट कैप्सूल का पैकिंग बनाया गया है 12 कैप्सूल का। अभी आपको बताता हूं कैसे लेना है। एम्पीफोर्ट कैप्सूल को 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को 3 दिन तक लेना है। ये कैप्सूल आपको खाने के बाद ही लेना है क्योंकि खाने से पहले लेने में आपको काफी सारी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकती है। यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हो सके तो आप इसको 1 गिलास दूध के साथ लीजिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन आयुर्वेदिक है और काफी गर्म होती है, तो दूध पीने से आपको, दूध के साथ लेने से आपको काफी तकलीफें कम हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं एम्पीफोर्ट टैबलेट को आप बताए हुए तरीके से लेंगे और ये आपके रुके हुए पीरियड्स को 3 दिन में लाने में काफी सहायक होगा। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी हालत में प्रेग्नेंट लेडी को एम्पीफोर्ट कैप्सूल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जिसमें प्रेग्नेंट लेडी ने एम्पीफोर्ट प्रिपरेशन ली है और उनको अबॉर्शन हो गया और या गर्भपात हो गया है। इसलिए आप याद रखिए, किसी भी कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडी को एम्पीफोर्ट कैप्सूल नहीं लेना है। तो मैं आशा करता हूं आपको एम्पीफोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि मैंने आपको बताया जैसे आज एम्पीफोर्ट कैप्सूल को कैसे लेना है, कभी लेना है और किसको एम्पीफोर्ट कैप्सूल नहीं लेना चाहिए।